यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग लड़की से गन पॉइंट पर रेप करने का मामला सामने आया है। हैवान बने युवक के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची और सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई। वहीं परिजनों की तहरीर पर चरवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी युवक को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। आरोप है कि पुलिस और आजाद घूम रहा बलात्कारी परिजनों पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं अब परिजनों ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। करीब जो है तो विधायक जी से फोन करवाए, सांसद जी से फोन करवाए तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी दबाव में। उसके बाद फिर अभी तक गिरफ्तारी इधर उधर घूम रहा है, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। मेडिकल नहीं हुआ? मेडिकल हो गई है, अल्ट्रासाउंड भी हो गया है, सब उसका पूरा रिपोर्ट निकल आया है, लेकिन अभी तक पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उसके रिश्तेदार नातेदार हमको बार बार टोर्चर कर रहे हैं, कहीं फोन पे कहीं किसी संदेश दिलवा रहे हैं, सुलह हो जाइए तुमको जान से मार देंगे, तुमको तबाह कर देंगे। और कई लोगों को भी ऐसे उपद्रव मचा चुके हैं, वो छूट जाते हैं, फिर हमको ऐसे भी किया, इसके लिए उनको मनोबल बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ जो हो न्याय हो। पुलिस वाले भी ये सब जान के सुलह होने के लिए कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुलह हो जाओ, और क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? बलात्कार करने वाला लुसरू खुलेआम घूम रहा है। क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला पंजीकृत हुआ है, इसमें विवेचना हो रही है, लड़की का मेडिकल कराया गया है एवं मजिस्ट्रेट के आगे बयान कराया जा रहा है। एक अभियुक्त है, उसकी तलाश कर रहे हैं, पता चला है कहीं बुलंदशहर में किसी भट्ठे पर भागा हुआ है, जल्दी ही हम उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं।